तो भूतों के लिए प्यार और उनकी खोज हमें ले आई है एक ऐसी सिटी में, यूनाइटेड किंगडम की एक ऐसी सिटी में जो कि जाना जाता है मर्डरस हिस्ट्री, भूत, अंडरग्राउंड वॉल्ट्स, ग्रेवयार्ड्स और ऐसे ही कुछ चीजों के लिए जो आपको बहुत एक्साइट करती है और हमें भी। तो हम आ गए स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में। तो आई एम श्योर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सिर्फ कही सुनी बातें हैं, ये सब मजाक है, इनका तो काम ही है सिर्फ भूतों की बातें बताना। पर एडिनबर्ग की छोटी छोटी प्यारी प्यारी गलियों में कुछ ऐसे राज दफन है जिसे सुन के आपकी रूह तक कांप सकती है। यहाँ ऐसी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज हम जाने वाले एक ऐसे टूर में जिसमें हम कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हम दो घोस्ट हंटर्स आज एडिनबर्ग की गलियों में एक्चुअल में घोस्ट ढूंढने जा रहे हैं और जिनके साथ हम जा रहे हैं वो जाने जाते हैं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कराने के लिए। एडिनबर्ग में ना अंडरग्राउंड सिटी के नीचे वॉल्ट्स बना रखी हैं जहाँ पे जाने के बाद बता क्यों रहे हैं वहीं जाके एक्सपीरियंस कराते हैं आपको अपने साथ। यही एडिनबर्ग को वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सिटीज इन द वर्ल्ड नहीं माना जाता। हमारी यही जिज्ञासा हमें लेके जाने वाली थी आज एडिनबर्ग की अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में जहाँ कैद है कई साल पुरानी घोस्ट स्टोरीज, मर्डरस हिस्ट्री, एडिनबर्ग की विचेस और डार्क टनल्स की कहानियाँ। अभी हमारा टूर स्टार्ट भी नहीं हुआ था और हमें दिखाई दी एडिनबर्ग की घोस्ट टूर बस। माना जाता है 1950s में ये बसेस फ्यूनरल के लिए यूज करी जाती थी, बट एक दिन अचानक बस डिपो में भयंकर आग लगी जिसमें सारी बसेस जल गई और जो कुछ बच गई उनको घोस्ट टूर्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। आज भी जो लोग इस बस में टूर करते हैं ऐसा मानते हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो फील होता ही है। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं बट इतनी रोशनी है टाउन में, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि यहाँ पे 10 बजे तक इतनी रोशनी होती है। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो ये चर्च है, इसके नीचे एक वॉल्ट है जिसके अंदर हम अभी जाने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा? भूत होंगे भाई, भूत। सीरियसली? लेट्स गो। तो जिन तहखानों में अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ पे बच्चों के रोने की आवाजें, मूविंग शैडोज और ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीजें रिपोर्ट हुई हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुक और हारे नाम के फेमस मर्डरर्स अपने विक्टिम्स की तलाश में भी इन्हीं वॉल्ट्स में जाते थे। क्या हमें जाना चाहिए? क्या ये सेफ होगा? आई थिंक सो, सेफ तो नहीं होगा बट हमें जाना जरूर चाहिए। हमें एक ना जॉर्जिया की लड़की भी मिली अभी, वो भी बता रही है कि उसे भी ना से घोस्टली चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और उसने भी सुना है कि जो एडिनबर्ग की ये वॉल्ट्स है ना ये बहुत स्पूकी हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। चलो देखते हैं आज अपने आप के लिए, मिल ही लेते हैं भूत भाई से। हेलो घोस्ट बॉय, आई एम कमिंग। फाइनली हम वॉल्ट में एंटर करने वाले हैं और 2 फुट का स्टेप है, ध्यान से चढ़ियो, ऐसा माना जाता है अगर आप इस पे सही से नहीं चढ़ोगे तो भूत आपको पकड़ लेगा। प्रेरणा कुछ भी, डराने के लिए कुछ भी। क्लॉस्ट्रोफोबिया फील हो रहा है। वॉल्ट में एंटर करते ही बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो गई थी। देयर वाज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द वॉल्ट। तो जिस रूम में हम अभी खड़े हैं वहाँ पे एक स्टूडेंट का बेडरूम था और उसको अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। उसने बहुत बार लैंडलॉर्ड को कहा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। अब हम वो देखने वाले कि कहाँ से आ रही थी, बट उसके लैंडलॉर्ड ने बॉदर नहीं किया। एक दिन वो सारे दोस्त गए ड्रंक हुए, उन्होंने कहा ये आवाज़ें हमारा दिमाग ख़राब कर रही है, हमें ये कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक हैमर लिया और तोड़ना स्टार्ट कर दिया जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, इस वॉल से। और उसके बाद उन्हें पता क्या मिला? हमें मिली पोल्टरगाइस्ट की वॉल्ट। आसान भाषा में बताऊं तो विचेस जहां पे असेंबल होके तंत्र विद्या करा करती थी। एक एक बढ़ते कदम के साथ हमारा डर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। वॉल्ट का पहला रूम देखते ही मैं समझ गई थी ये ऐसी जगह है जहां पे मैं आना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। वहां पे एक ऑल्टर था जिसके ऊपर पेंटेड पेंटागन था और कुछ तंत्र विद्या की ऐसी सामग्री जिन्हें देख के मैं दंग रह गई। तो जिस रूम में हम अभी है ना हर्ष, मेरे को सच में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेट में कुछ कुछ हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी नेगेटिव वाइब्स है। मतलब हो सकता है इस वजह से क्योंकि एक केव सा बना हुआ है, बट ये देखिए सर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आके एग्जॉर्सिज्म भी किया गया, बट जो विचेस थी वो कभी यहाँ से गई ही नहीं। अभी मुझे पता है अभी भी फील हो रहा है कुछ, पता है अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। तो वहाँ पे जाके एक बार भाग के दिखा क्या? नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। एक बार हमारे गाइड ने हमें पहले ही वॉर्न किया था, जिस भी इंसान को क्लॉस्ट्रोफोबिया है उन्हें इन वॉल्ट से दूर रहना चाहिए। अगले रूम में हमने देखा स्टोन्स का बना हुआ एक सर्कल जो कि माना जाता है डीमंस का घर होता है। हमें बताया गया कि रिसेंटली मोस्ट हॉन्टेड लाइव एपिसोड पे
एक्चुअल में वॉल्ट में जो भी लोग आए थे उनमें से एक ने इस स्टोन सर्कल को क्रॉस किया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसे लाइव एपिसोड पे विशियसली एक घोस्ट ने अटैक किया। मुझे एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है, पता है? हाँ तो वॉल्ट है, ठंडी तो होगी यार। नहीं, मुझे सच में थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस पागल है, वहाँ मत जा, वापस आ। देखो पता है सबसे हॉन्टेड वॉल्ट है यहाँ पे, दिख ही नहीं रही। पता है मैंने ऐसे देखा है, जो सबसे एंड में आते हैं ना उनको उठा के ले जाते हैं भूत, पता है? मतलब पीछे से विच आती है और एकदम खींच के ले जाती है। देखा ना जितनी भी हॉन्टेड मूवीज हॉन्टेड सीरियल्स होते हैं, ऐसा होता है ना जो पीछे पीछे आ रहा होता है उनको उठा के ले जाते हैं। मैं बता रही हूँ हमें आगे चलना चाहिए सीरियसली अपने गाइड के साथ। बहुत ज़्यादा डरावना है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। बहुत गंदी वॉल्ट है यार, बहुत स्ट्रेंज। मुझे सच में ऐसे पेट में कुछ कुछ फील हो रहा है, पता है? जल्दी चल यार, हर्ष दरवाजा भी अपने आप खुल रहा है। अभी ये क्या हुआ, दरवाजा अपने आप कैसे खुला? अबे ऑटोमेटिक है, चल यार। टूर खत्म हो गया है, निकल गए बाहर। मुझे तो सीरियसली बहुत हॉरिफाइंग लगा, इतनी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक थी ना वो वॉल्ट्स हर्ष। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। भाई मेरे लिए तो बहुत ही हॉरिफाइंग था, मेरे को पेट में कुछ कुछ फील हो रहा था, ठंडी हवाएं, हाइपोथर्मिया होता है ना एकदम से, वैसा फील होने लगा कि एकदम। ये मुझे भी कह रही थी अंदर की, यार मेरे को अब ठंड लग रही है, अब गर्मी लग रही है, इतनी मोटी जैकेट पहन के दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। इतनी मोटी जैकेट पहन के कोई कैसे ठंड फील कर सकता है, मुझे बस इतना बता दे तू। यार वॉल्ट है, अंडरग्राउंड है तो थोड़ा बहुत हो सकता है फील, मतलब। पर मैं भूत भूत वाली तो छोड़ दे यार बात, दूर दूर तक कुछ भी नहीं भाई, सच में। भाई वो बता रहे विचेज होती हैं, डायन होती है, हमने एग्जॉर्सिज्म किया है, और वो जो पूरा रूम बनाया हुआ था यार, वो हो सकता है कुछ किया हो, कुछ चीजें हो, बट मतलब अब कुछ ऐसा कुछ है नहीं भाई। अब चले रूम में यार, डर लग रहा है मेरे को, मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं होटल, यहाँ से दूर है होटल, भी वॉक करना पड़ेगा बहुत सारा। क्या देख रहा है? ओ भाई कुछ नहीं है यहाँ पे। Remembering JCH who was often tired, जैसे कि मैं थक जाता हूँ। मत बैठ यार इस पे। अबे अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई पीछे लिखा ही ऐसा है। क्या? यहाँ पे एक बंदा बैठता था जो बहुत ज्यादा थक जाता था। तो क्या हो गया, हम भी थक गए, हमारे लिए बना, बैठ जा। अबे पीछे पार्क है, बहुत अजीब सा लग रहा है। बहुत सुंदर पार्क है पता है। तेरे को आवाज नहीं आई हंसने की अजीब सी? हाँ तो लोग हंस रहे हैं वहाँ पे यार, तू क्या एवी डरा रही है? बहुत अजीबोगरीब लग रहा है यार ये पार्क। हर्ष जब से टूर से आया ना, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे नहीं सही फील हो रहा। मुझे पता नहीं अजीब सा पेट के अंदर कुछ अलग सा जैसे हैवीनेस होती है ना, मुझे लग रहा है तूने खाना नहीं खाया ना इसलिए हो रहा होगा। हर चीज मजाक नहीं होती पता है मेरे को, मैं मुझे सच में ऐसी वाइब्रेशंस फील हो रही है कि जैसे पता नहीं हवा में बाल कोई पीछे से उड़ा रहा है, बहुत गंदा गंदा फील हो रहा है। चले, पूर्णिमा की रात है, डरना तो बनता है। अरे यार तेरे ना मजाक फालतू के चलते रहते हैं, मैं नहीं आ बैठ रही। तो फिर चल लेना यार, ये तेरे को सही लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, ना कोई बंदा ना बंदी नजर आ रहे हैं, तू फालतू में पता नहीं यही बैठा हुआ, तेरे को क्या मजा आ रहा है? चल भाई चल। वैसे कहेगा कि चलो चलो, कंफर्टेबल नहीं है, सेफ नहीं है। आज मैं कह रही हूँ कि मुझे सेफ नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है, तो बंदा बैठा हुआ है आराम से यार। चल अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कौन साथ में चल रहा है मेरे। मैं चल रहा हूँ भाई। तू सबसे बड़ा भूत है यार, कहाँ है बंदे? एक बंदा नजर नहीं आ रहा इस रोड पे, डकैत लग रहा है सच में। अब इसके अंदर जाके घुस गया, क्या मजाक है यार। अंधेरा कायम रहे मां महिम। मुझे ऑनेस्टली इस टाइम लग रहा है हम रास्ता भटक गए, ये पता नहीं शॉप्स रोक रोक के मुझे भूतों की ऐसी चीजें दिखा रहा है, मैं डर रही हूँ यार। देखो स्कल्स पड़े हैं यार। गल्स? भी ये क्या है? भूत कैद हुए हैं, कुछ दिख रहा है बता अंदर, आपको देख रहा है बता, खड़ा हुआ। क्या मजाक कर रहे हो यार, मेरे को तो रात को स्कल देख के डर लग रहा है। तेरे को हॉन्ट करेंगे, तेरे सपने में आएंगे। अच्छी बता रही हूँ, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है ना डर भी बढ़ रहा है। एवी हमें निकल गए घोस्ट हंटिंग पे, ये टूर भी नहीं करना चाहिए था हमें। सच में अलग अलग वाइब आ रही है यहाँ पे। शॉप्स देख कैसी है, विचेस वाली, भूत प्रेत का सामान मिल रहा है यहाँ। ये क्या बवाल है बे, क्या देख रही, कितनी कितनी। ये दियो कैमरा, मैं ढंग से दिखाती हूँ भाई। ये वाली पेंटिंग देखो, ड्रैकुला बना हुआ है यार इसके ऊपर। चलते हैं। ये क्या क्या चीजें पड़ी हैं यार पे, काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोड़का, पता नहीं क्या क्या पड़ा। हर्ष अभी यार तू मुझे छोड़ के क्यों भाग के आ रहे यार? अरे यार क्या पीछे कैसे रह गई तू, मेरे साथ चल रही थी। हर्ष यार ये बहुत गलत बात है, तेरे को ऐसे मेरे को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इतना भूतिया सा वो शोरूम है। प्रेरणा तू मेरे साथ चल रही थी, मैं बातें करता हुआ चल रहा था तेरे साथ, तू पीछे कैसे रह गई?
पता नहीं यार, ये देखिए धुआं निकल रहा है यार यहाँ से। तू स्टेयर्स पे नहीं चढ़ी? मुझे सीरियसली इस जगह के बारे में ना बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मैं आराम से उस स्टोर के अंदर देख रही हूँ क्या विचेस विचेस का सामान रखा, और ये बंदा आराम से ऊपर चढ़ के भाग गया। ये क्या तरीका है? मैं ऊपर नहीं गया था हर्ष, क्या तरीका है? मैं ऊपर नहीं गया था, तू मेरे साथ थी। मैं बातें करता हुआ चल रहा था कि यार रात बहुत हो गई है, चल पहुंचते हैं, कितनी अजीब सी स्ट्रीट है, और पता कोई रिप्लाई भी कर रहा था या मैं खुद से बातें कर रहा था, मुझे नहीं पता। तू सो चुका है हर्ष, तू सो चुका है यार। हर्ष कितनी शेडी सी जगह है, कहाँ जाना है यार? यार मुझे यहाँ पे कोई व्हाइट कलर की रिफ्लेक्शन दिखी अभी। ना मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक काम करते हैं यार, यहाँ से चलते हैं। इस पॉइंट पे एक्चुअल में मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के साथ साथ कोई और भी चल रहा है। प्रेरणा क्या हो गया, यहाँ क्यों जा रही है? यार मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे ना तो मेरे पेट में ना कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है, घबराहट, मेरे को उल्टी जैसा फील हो रहा है। थोड़ी देर यहाँ चर्च बैठते हैं, शायद थोड़ा अच्छा फील होए। पता नहीं, मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है पीछे पीछे कोई चल रहा है। तेरे पीछे तो मैं ही चल रहा था यार, हर चीज़ मजाक में हर्ष। यार मैं तेरे को कह रहा हूँ, यहाँ से 10 मिनट है होटल, होटल चलते हैं। तेरा मन नहीं कर रहा ना जाने का, तो मैं तेरे को अब एक हॉरर कहानी सुनाता हूँ। यार तू कैसा बंदा है, मेरे को डर लग रहा है। तो मैं क्या करूँ फिर यहाँ बैठ के, क्या करूँ बता। मैं तेरे को बताता हूँ एक लड़की के बारे में जिसका नाम था एनी। एनी तूने नहीं सुनी उसकी कहानी? तो प्रेरणा एनी नाम की एक 8 साल की लड़की थी जिसको उसके मम्मी पापा ने मैरी किंग्स क्लोज पे अकेला छोड़ दिया था। कुछ सालों बाद उस लड़की की डेथ हो गई। फिर अर्ली 90s में एक जापानी साइकिक वहां पे आया। उसका मेन मकसद था जितनी भी हॉन्टेड साइट्स है ब्रिटेन की उनको एक्सप्लोर करना। ऐसे ही एक्सप्लोर करता हुआ वो मैरी किंग्स क्लोज पे पहुंचा, और वहां जाके उसे क्या फील हुआ, एनी की आत्मा। उसने उसकी आत्मा से कम्युनिकेट किया, और एनी ने बताया उसकी जो फेवरेट डॉल है ना वो घूम गई है, इसलिए वो बहुत उदास है। और गीबो ने उसके लिए वहीं से एक डॉल खरीदी और उसको गिफ्ट कर दी। उसके बाद से जब भी कभी कोई मैरी किंग्स क्लोज जाता है ना, तो एनी के लिए एक डॉल या एक टॉय लेके आता है ताकि उसकी आत्मा उनको परेशान ना करे। और हम अगर थोड़ी देर यहाँ पे बैठे तो मैं बता रहा हूँ सीरियसली अमेंडेंट एनी आ जाएगी और तेरा हाथ पकड़ लेगी। मैं जा रहा हूँ, तूने बैठना है बैठ, आजा चल ले यार, 10 मिनट्स वॉक और हम अपने होटल पहुँच जाएंगे, लेट्स गो। तेरे को एक चैलेंज दूँ? बहुत चैलेंज देती है ना सबको यार, मतलब जा अकेले जा वहाँ रन करके। सुन, आज तक जो भी बातें रही ना सब सही एक तरफ, पर मुझे आज सीरियसली बहुत अजीब फील हो, मुझे उल्टी आ रही है यार। तो कर ले फिर, चल यार चल, आई एम गोइंग। फाइनली रूम में आ गए इतने लंबे टूर के बाद, और आती क्या हुआ है ये लड़की, ये लड़की ऐसे बेड पे कूद के सो गई। प्रेरणा उठ यार, पैकिंग करनी है प्लीज। मुझे पता था यार तेरा, तूने ये सारे ड्रामे करने हैं ना, यही तेरा ड्रामा था ना कि पैकिंग ना करनी पड़े, सो जाओ मैं चुपचाप आके। यार हर्ष मैं मजाक नहीं कर रही, मैं उठ जा यार प्लीज, उठ जा प्लीज 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 प्लीज। मेरे को वोमिट आ रही है यार, सीरियस। तू वोमिट आ रही है, वॉशरूम जाके करना है, यहाँ के सो क्यों गई? अरे मैं सब जानता हूँ, देख रहे हो कितना फैलाया हुआ इसने, ये सब पैक करना है क्योंकि हमें सुबह 7:30 बजे निकलना है। एंड उठ जा।